नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 की खास पेशकश में। महा कवरेज लगातार जारी है, चुनाव से जुड़ी हर अपडेट हम आपको दे रहे हैं, काउंटिंग से जुड़ी हुई। और सबसे पहले एक बड़ी खबर हरियाणा से, जहां पर रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलता दिख रहा है। बीजेपी 47 सीटों पर आगे हो गई है, एक बड़ा उलटफेर यहाँ पर देखने को मिला है। कांग्रेस 35 सीटों पर आगे चल रही है। तो थोड़ी देर पहले की टैली कुछ और कह रही थी, अब एकदम बदल गई है टैली। यहाँ पर आप देखिए 47 सीटों पर बीजेपी आगे हो गई है, जबकि कांग्रेस पार्टी 35 सीटों पर आगे चल रही है। हरियाणा में रुझानों में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। बात अगर जम्मू कश्मीर की करें तो वो टैली भी आपकी स्क्रीन पर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन जो है वो आप देखिए, वो आगे चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी 24 सीटों पर जम्मू कश्मीर में आगे। तो अभी तक के रुझान जो कह रहे हैं, हरियाणा में बीजेपी आगे हो गई है। थोड़ी ही देर पहले हमने देखा एक बड़े मार्जिन सीटों से कांग्रेस पार्टी आगे चल रही थी, लेकिन अब एकदम से उलटफेर हुआ और बीजेपी ने काफी बढ़त बना ली है। चंडीगढ़ से अंकित गुदानी हमारे साथ, हमारे सहयोगी, हमारे रिपोर्टर जुड़ चुके हैं, उनके पास सबसे पहले चलते हैं और तमाम गेस्ट भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अंकित के पास चलते हैं सीधा। अंकित, अभी तक के जो रुझान है, हमने देखा कि सुबह से ही एक बड़े मार्जिन की सीटों से कांग्रेस पार्टी आगे चल रही थी, जो कि एग्जिट पोल के मुताबिक दिख रहा था, लेकिन अभी जो बड़ा उलटफेर हुआ, किस तरह से देखा जाए इसे? बिल्कुल, जिस तरह से उलटफेर हुआ है और लगातार जिस तरह से भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं, सरकार के कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी, वो भी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो दो दिन पहले उन्होंने प्रेस वार्ता की थी, तब भी उन्होंने कह दिया था कि जब नतीजे आएंगे तो जो कांग्रेस के लोग हैं वो अलग अलग बहाने लगाएंगे, ईवीएम को दोषी ठहराएंगे। तो कहीं ना कहीं अब जो रुझान आ रहे हैं उनसे ऐसा ही नजर आ रहा है, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। लेकिन वो नतीजों के अंदर तब्दील होंगे तब कुछ ना कुछ कहा जा सकेगा। लेकिन सुबह जिस तरह की आंधी और तूफान कह सकते हैं कि जो दिखाया जा रहा था कि कांग्रेस की सीटें आ रही हैं, लेकिन अब वो घटकर के 35 रह गई है और बीजेपी की जो रुझानों के अंदर सीटें हैं वो 47 आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं रुझान जो है लगातार चेंज हो रहे हैं और इसलिए हम इसको वर्डिक्ट में नहीं बदल सकते, क्योंकि अभी कुछ ही राउंड हुए हैं, किसी के 2 राउंड हुए हैं, किसी के 4 राउंड हुए हैं, तो अभी गिनती इतने ही राउंडों की हुई है। तो इसलिए अभी भी कहना जल्दबाजी होगा कि किसकी सरकार आ रही है, किसकी सरकार नहीं आ रही है। लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को जितना डाउन कह सकते हैं एग्जिट पोल के अंदर दिखाया जा रहा था, एग्जैक्ट काउंटिंग के अंदर उतना जो है डाउन बीजेपी जाती हुई नहीं दिख रही है। अगर कांग्रेस सरकार बनाती है तो कहीं ना कहीं नेक टू नेक फाइट बीजेपी और कांग्रेस की रहने वाली है। अगर बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाती है तो वो भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा और हरियाणा में एक इतिहास रचा जाएगा, क्योंकि आज तक हरियाणा में 2 बार से ज्यादा किसी रिपीट सरकार किसी की हुई नहीं है। कांग्रेस 2 बार सरकार में रही, तीसरी बार बीजेपी आ गई, अब बीजेपी 2 बार रही, अगर तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनती है तो ये भी हरियाणा में एक इतिहास लिखा जाएगा और ऐतिहासिक चीज होगी ये भी। और क्योंकि एक बीजेपी का एक कहें कि हरियाणा का एक और इतिहास भी है, वो इतिहास ये है कि जो सेंटर में सरकार रहती है वही सरकार प्रदेश में रहती है। क्या वही इतिहास कायम रहेगा या वो पलटा जाएगा, इन सब सवाल हैं ये सारे, और इन सवालों का जवाब अभी कुछ देर के बाद ही मिल जाएगा कि किसकी सरकार आ रही है, किसकी नहीं आ रही है। लेकिन अब जिस तरह से रुझान आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जरूर आ रहे हैं। ठीक है अंकित, आपसे लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। हमारे साथ गेस्ट का एक पैनल भी जुड़ा हुआ है, अवनीश त्यागी जी भारतीय जनता पार्टी से हैं, तारिक खान प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, संदीप त्रिपाठी भी है कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए। तो चलिए अब सबसे पहले इसी बात को लेकर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी अवनीश जी, कि सुबह से तो पीछे चल रही थी बीजेपी, सुबह से तो एक बड़े मार्जिन से कांग्रेस पार्टी आगे चल रही थी, लेकिन अब जब बीजेपी आगे हो गई है तो क्या चल रहा है मन में इस वक्त? बन जाएगी सरकार या फिर जो एग्जिट पोल है उसी तरह के नतीजे दिखेंगे? सुबह मेरे कांग्रेस के साथी और समाजवादी पार्टी के साथी ज्यादा उत्साहित थे। मैंने सुबह भी कहा कि नतीजे आने दीजिए, मतगणना आगे बढ़ने दीजिए,
नतीजे जनता का प्यार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही रहेगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भरोसा रहेगा, और ये इसमें वो तस्वीर बिल्कुल धीरे 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 साफ आने जाए। अब मैं अब विपक्ष के वाले खासतौर से कांग्रेस के साथी से मैं पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस के साथी अब तक राहुल जी को श्रेय दे रहे थे, अब वो मुझे ये बताए कि अब धीरे धीरे जैसे चुनाव प्रचार खत्म नतीजे आने शुरू होंगे, चुनाव के नतीजे जैसे फाइनल होंगे तब तो वो एबीएम को कोसेंगे, कभी किसी और को कोसेंगे। उनका ये पैटर्न है कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी में उसकी जो सहयोगी यहाँ गुप्त सहयोगी है। चलिए संदीप उन जी से सहयोगी ने जवाब ले लेते हैं। संदीप जी, काफी ज्यादा सेलिब्रेशन कांग्रेस ने पहले ही शुरू कर दिया था, तो अब एकदम से उलटफेर हो गया है। अब कांग्रेस काफी पीछे हो गई है, 35 सीट्स। आप सोचिए 35 और 47 मार्जिन काफी बढ़ गया है बीजेपी का, आगे हो गई है काफी बीजेपी। तो अब ऐसे में एक डर का वो सताने लगा है क्या मन में संदीप जी? संदीप जी लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है संदीप जी तक। आवाज निकल नहीं रही होंगी। जी 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 संदीप जी, अपनी अरे बात रखिए। साहब, निकलेगी नहीं, डालेंगे, चुनाव जीतेंगे। आप बताइए, ये जो आप बता रहे हो कि रुझानों में बढ़त है, मोदी जी की है, अनिल विज की है, या सैनी जी की है, हमारे सत्तर नेता जी की है? मोदी जी और मोदी अब नेता हाँ, है, तो हार की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहिए। हम उसे जैसे बस को क्रेडिट देंगे, परेशान मत होइए, सुनिए शांति से। मैंने आपको राजू जी, मैंने बहुत धैर्य से आपको सुना। आपकी ये झल्लाहट हमें दिख रही है, हमें समझ में आ रही है कि झल्लाहट, आपका दर्द मुझे दिख रहा है और आपका डर भी दिख रहा है। डरिए मत, कांग्रेस कहती है डरो मत। रिक्वेस्ट है कि सुन लीजिए। अभी हमारे साथी ने दो तीन सवाल उठाए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि संजय राणा जी ने कहा कि राहुल गांधी 40 चुनाव हारे तो क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है? राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं कि जब वो चुनाव हारे तो और उसकी जिम्मेदारी ली और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, और किसी पार्टी में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। इवन हमारी पार्टी में भी बहुत कम ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने हार की जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिया। अटल और इस देश में अगर सबसे ज्यादा चुनाव हारने का रिकॉर्ड रहा है तो लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जी की जोड़ी को रहा है, और उसमें मुख्यतः हमारे मैं हमारे भी मैं कहूंगा कि बड़े नेता अटल जी। अब सुनिए ना, सुनिए सर, सर आने वाले दिनों को वर्तमान में जिए और कौन चुनाव नतीजे आ रहे हैं उन पर ध्यान दीजिए। आपकी हाँ, मुझसे हालत क्या याद विश्लेषण केवल लटपट पार्टी रखिए। बन रहे कांग्रेस अगर अगर आप ये लटकन भटकन चटकन पटकन से अगर आप चुनाव जीत लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता देना। अरे सुनिए ना साहब, हम अभी ही, अरे सुनिए ना, ये बहस वाली डिबेट नहीं है, चुनाव परिणामों पर बात कर रहे हैं, वो लंबी डिबेट होगी, आपको 2 घंटे बैठा जाएगा। सुनिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर इसी इसी डिबेट में ही हम बहुमत पार करेंगे, और बहुमत पार ही नहीं, हम 50 से 70 सीटों का जो हम बार बार ये बात करते आए हैं, हम 50 के नीचे नहीं रहेंगे, 50 के ऊपर रहेंगे और 70 के आसपास रहेंगे। ये हम दावा नहीं कर रहे हैं या आने वाले समय में, अभी जैसे कहा कि अभी तो वो आए आगे पीछे, ठीक है, भाजपा 12 से 20, इसके आगे आप जा नहीं पाइएगा। मोदी जी वाली लगा लीजिए बैलगाड़ी, और चाहे खट्टर वाली लगा लीजिए, चाहे सैनी जी वाली लगा लीजिए, चाहे बिज वाली लगा लीजिए। अब उसका देखिए, अभी आप कह रहे हो कि आप 49 सीटों पर जीत रहे हो, तो आप ये कह रहे हो कि मोदी जी की वजह से हम जीत रहे हैं। आप इस बात को याद रखिएगा, जो भी आपके चैनल पर आए, और इस बात को जरूर आप कहिएगा जब ये चुनाव हारे तो, कि मोदी जी की वजह से ये चुनाव अच्छा हारे। संदीप जी, एक बार फिर से टैली अपडेट हो गई है आपको, करंट जो टैली है वो बता देते हैं। बीजेपी 49 सीटों पर हो गई आगे, और कांग्रेस पार्टी 34 सीटों पर, एक और सीट बढ़ गई। आप देखिए, ये कि सेंसेक्स की तरह अप एंड डाउन अप एंड डाउन, ये है, काउंटिंग का एक दौर होता है, हर इलेक्शन में होता है, लेकिन आश्वस्त हैं हम, कांग्रेस सरकार बनाएगी। 10 बज रहा है, हम कितनी देर और रुक जाए आपके हिसाब से? देखो अभी शायद तीसरा चौथा राउंड है, तो 10 एक और होंगे, कम से कम, कम से कम उम्मीद नहीं, विश्वास है। मेरे साथ कुमारी सहजा है, कांग्रेस पार्टी की सीनियर नेता।
देखिए पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आई कुमारी शैलजा को, आपने अभी सुना कांग्रेस पार्टी की नेता, और उनकी तरफ से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा गया कि हमें उम्मीद नहीं है बल्कि पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि हम सरकार बनाएंगे, हम जीतेंगे। और आप देखिए टैली एकदम से बदल रही है, बीजेपी 50 सीटों पर आगे हो गई है। बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस 33 पर पहुंच गई है। आप देखिए एक के बाद एक नुकसान कांग्रेस पार्टी को दिख रहा है, इस पर क्या कहेंगे संदीप जी? फिर कह रहा हूँ कि ठीक है आप जो दिखा रहे हो, हमारे पास जो टैली आ रही है 53 अभी हम है, 53 पर अभी भी हम है। जो जमीन की हरियाणा के लोगों की टैली है, ग्रुप है, उससे अभी भी 53 सीटों पर आगे है। मैं घूमा हूँ, 6 दिन चुनाव प्रचार भी किया है, मैं दावे से कह सकता हूँ कि वहाँ कांग्रेस 65 के आसपास सीटें मिलेंगी और हम अपनी सरकार बनाएंगे, वहां पे कांग्रेस की सरकार बनेगी। जहां तक कश्मीर का सवाल है, कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर हम आवश्यक बहुमत पा लेंगे, और हमें पूरा भरोसा है जो भाजपा के खिलाफ हैं वो भी हमारे समर्थन में आएंगे। सर लेकिन अभी जो परिणाम, अभी कश्मीर की भी बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे भी अच्छा रन उनका नजर आ रहा है, तो क्या दिन खत्म होते होते कहीं दूर दराज तक नहीं? देखिए जम्मू के कुछ शहरी इलाकों में बीजेपी को थोड़ा वोट मिला है, अभी ग्रामीण अंचल खुलने दीजिए, कश्मीर में तो बीजेपी साफ हो रही। और जो उन तो देखिए लगातार अब रिएक्शन आना भी शुरू हो गए हैं, और लगातार अब रिएक्शन बदल भी रहे हैं। पहले पूरे तरीके से कांग्रेस कॉन्फिडेंट थी, हालांकि अभी भी कांग्रेस का यही कहना है कि ये टैली अभी शुरुआती तो नहीं है लेकिन अभी बदलेगी और कांग्रेस पार्टी को ही इसका फायदा यहाँ पर मिलेगा। संदीप जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, आप कुछ कह रहे थे? सिर्फ ये कह रहा था कि ये चुनाव हम बहुत ही क्लियर मेजोरिटी में जीतेंगे, और जैसा कि अभी हमारे हमारे यहाँ के ही प्रमोद तिवारी जी हमारे जिले के नेता हैं, पूरे प्रदेश और देश के नेता हैं, उन्होंने कहा कि 55 सीटों की बात की, मैं अभी वही बात कह रहा हूँ। लेकिन आप देखिए 17 सीटों पे पीछे हैं संदीप जी, कितना टैली बदलेगी? आप हम सुबह से देख रहे हैं कि आपको काफी नुकसान ही होता जा रहा है, अभी पिछले एक घंटे से तो काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। अच्छा ये बताइए कि हम लोग अभी 65 सीट के ऊपर तक गए थे, 70 तक लगभग गए थे। भारतीय जनता पार्टी अगर 49, अब ये देखिए आपके ये 49 हो गए, 50 से 49 हो गए, ये हमारे बैठे बैठे ही ये हम 53 तक जाएंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। इसलिए कि मैं फिर बता रहा हूँ कि लोकल जो हरियाणा का हमारा हम लोगों का ग्रुप है उसमें हम 53 पर अभी है प्रेजेंट टाइम में, तो ये हम। और दूसरी बात, हमारे यहाँ के बहुत सारे हम लोग कैंपेनिंग देखी है, हमने वहाँ के लोगों के मिजाज देखे हैं, और आप लोगों ने भी जो एग्जिट पोल दिखाया उसमें क्लियर मेजोरिटी कांग्रेस को मिल रही है, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। अब जो है नहीं, देखिए डाउट नहीं है ये तो आप नहीं कह सकते, और अगर आप एग्जिट पोल के हिसाब से कह रहे हैं तो फिर एग्जिट पोल तो कई बार गलत भी साबित हुए हैं। नहीं ये आप कह रही हैं तो अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा विनेश फोगाट भी पीछे चल रही है जुलाना सीट से, ये भी चुनाव जीतेगी, और जो है कम से कम 30,000 से 50,000 वोटों से जीतेगी, मिनिमम 30,000 और अधिकतम 50,000। तो हम लोग हमारा देखिए, आप तो वोटों का अंतर भी अभी से बता रहे हैं, देखिए अभी वो पीछे चल रही है, आप कह रही है 50,000 वोट से आगे नहीं जाएंगी, 30 से 50। मैंने इसलिए कहा कि हमारे पास जो हमारी पार्टी के इंटरनल सर्वे हैं वो सर्वे भी हम लोगों के पास है, जो जनता के बीच से निकल कर आया है, हमारी पार्टी ने कराया है। इसलिए मैंने कहा कि 30 से 50, मैं 60-70 तो नहीं बोला, हमने 20,000 तो नहीं कहा। हमारे पास जो आंकड़े हैं, जो हम लोगों ने एनालिसिस किया है, उसमें जुलाना की सीट हम 30 से 50,000 के बीच में जीतेंगे। अब बहुत अंदर खाते इतना तो मुझे नहीं लगता कि कभी परिवर्तन आता है। और दूसरी बात, एक जनरल वे में एक वेव चलती है, वो दिखी, और यही वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता परेशान हैं। अभी तक जितने भी आपने बयान दिखाए उसमें एक भी शीर्ष नेताओं के बयान अब तक नहीं आए, सारे उस प्रदेश के उन नेताओं के बयान आए हैं जो अपने आप के बड़बोले रहे हैं, विवादित बयान देने के लिए जो है कुख्यात रहे हैं। नहीं लेकिन अभी अभी देखिए अनिल विज को तो हमने सुना, अनिल विज पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आए कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है।
मैंने अभी अभी मैंने कहा विवादित बयानों के देने के लिए कुख्यात रहे हैं, ऐसे लोगों के ही बयान आए। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी शीर्ष नेता ने मीडिया को फेस करने की अब तक हिम्मत नहीं की है। तो शीर्ष नेताओं में किन्हें आप मानते हैं? आप चाहते थे कि मनोहर लाल खट्टर का बयान आता, नायब सिंह सैनी भी सुबह कह चुके हैं, आप किसका बयान चाहते थे? नहीं, सुबह की बात जाने दीजिए, जब से रुझान और या काउंटिंग स्टार्ट हुई है किसी के बयान नहीं आ रहे हैं। जेपी नड्डा जी नहीं बोले, हमारे जो है और भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे मंत्री हैं। नेशनल लीडर्स के आप कह रहे हैं, नेशनल लीडर्स के आप बयान चाहते हैं? हाँ, नेशनल लीडर की ही बात कर रहा हूँ। जैसे अभी हमारे प्रमोद जी नेशनल लीडर है, उन्होंने बयान देने की, देखिए वैसे नेशनल लीडर्स में तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी खास नहीं दिखे हरियाणा के चुनाव में। आपने देखा रैलियां भी ज्यादा नहीं की। आप लोगों की तो स्ट्रेटेजी ये थी कि भूपेंद्र हुड्डा के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। नहीं, देखिए लोकल लीडरशिप हमारे यहाँ बिल्कुल प्राथमिकता रहती है, हम काम जो है एक सामूहिक नेतृत्व में लड़ते हैं, लेकिन जो नीतियां जो बातें राहुल जी के माध्यम से गई वो नीचे तक पहुंचाने का काम हमारे जो प्रदेश के नेता होते हैं, शीर्ष नेता होते हैं, उनका काम होता है। उस जो एक विचार और जो एक सोच होती है वो बड़े नेता की सोच होती है। जिस तरीके से राहुल जी ने जातिगत जनगणना, अग्निवीर और जो है किसानों का मुद्दा, ये सारे मुद्दे जो है वो जो है विनेश फोगाट जी का मसला हो, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मसला रहा हो, वो सारे मसले केंद्र से डिसाइड होकर आए और उस चीजों को जो है हुड्डा जी ने, दीपेंद्र हुड्डा जी ने, शैलजा जी ने, रणदीप सुरजेवाला जी ने, वीरेंद्र चौधरी जी ने, और बाद में अंततः उस लहर को देखकर आए हुए अशोक तंवर जी ने, सबने कहीं ना कहीं नीचे तक पहुंचाने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी को चलिए टैली एक बार फिर से बदल गई है, अपडेटेड टैली मैं आपको बता देती हूँ। और साथ ही अवनीश त्यागी जी से अब मैं इस पर जवाब लेना चाहूंगी। टैली हो गई है 52 पर बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस पार्टी 31 और पीछे चली गई है कांग्रेस पार्टी। इस पर पहले आपसे जवाब ले लेती हूँ मैं संदीप जी। पल पल आंकड़े बदल रहे हैं, पल पल हम देख रहे हैं टैली बदल रही है, और ये आपके लिए नेगेटिव ही साउंड कर रही है? नहीं, नेगेटिव साउंड नहीं कर रही है। हमको पता है कि हम फिर कह रहे हैं कि जो भी विपक्षी पार्टी रही है वो सरकार में रही है, फाइट देगी, लेकिन अंतोगत्वा हम चुनाव 50+ सीटों को लेकर 50 से 70 के बीच में रहेंगे। अगर जेजीपी नहीं बढ़ती है, बात आप समझिए, हम इस टैली को बीजेपी को हम देख ही नहीं रहे, हम इस टैली में सिर्फ देख रहे हैं जेजीपी को, आम आदमी पार्टी को। अगर उनकी सीटें नहीं बढ़ती हैं तो ये मानिए कि भारतीय जनता पार्टी 20 से 30 के बीच में रहेगी, इसमें कोई बट नहीं है। देखिए ये तो आपने ज्यादा ही कॉन्फिडेंस दिखा दिया कि 20 से 30 पर रहेगी। चलिए तारिक खान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो लगातार आपका समर्थन कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और तारिक जी के पास चलते हैं। तारिक जी, आप थोड़ी देर पहले तो काफी खुश हो रहे थे कि कांग्रेस पार्टी की अच्छी सीटें आ रही है, अच्छी सीटें ला रही है, अब ऐसे में बहुत पीछे चली गई है, 33 सीटों पर पहुंच गई है पीछे होकर कांग्रेस पार्टी हरियाणा में, क्या कहेंगे इस पर तारिक जी? नहीं, खुश तो मैं अभी भी हूँ, क्योंकि जनता का जो जनादेश होता है उसको सर आंखों पे रखना चाहिए। यूपी में हमें कई बार 17 में जनादेश मिला, बाहर बैठने विपक्ष में बैठने का, 22 में भी मिला, और वो सर आंखों पे, उसका सम्मान जितना हो सके और दिल की गहराइयों से उसका सम्मान करना चाहिए। मोदी मैजिक की बात करते हैं ये लोग, देखिए अभी मैजिक हुआ, अभी 20 मिनट पहले बात हो रही थी कि लोकल नेतृत्व जिम्मेदार है और मोदी जी का नहीं है, अभी जैसे ही आगे निकले तुरंत मैजिक हुआ। इसी को मैजिक कहते हैं, इसी को मोदी मैजिक कहते हैं, तुरंत मैजिक हुआ और कहा गया देखिए मोदी जी का जादू चला, मोदी जी का जादू चला। तो देखिए, अगर जीत, अगर 27 में हारे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नेतृत्व हारा हम अखिलेश जी के नेतृत्व में, हम हारे हम मानते हैं, हम 22 हारे हम मानते हैं, हम ज्यादा सीट लोकसभा में जीते हम मानते हैं, लेकिन ये जब हारते लोकल जिम्मेदार, जीते तो 56 इंच का सीना आ गया, फिर जैसे ही हारे तो वो 56 इंच वाला सीना 2 इंच का हो गया। तो ये जो ना, ये जो ठीक है, तो देखिए आप दोनों ही स्थितियों में खुश हैं, जब कांग्रेस आगे चल रही थी तब भी आप खुश थे, अब पीछे चल रही है तो भी आप खुश हैं, आपने जैसा कि कहा। बहुत शुक्रिया आपका, आप बने रहिएगा हमारे साथ। संदीप त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, और अवनीश त्यागी जी भी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। ये डिस्कशन लगातार ऐसे ही जारी रहेगा और अब तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। वक्त